हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ मैं किट्टो के साथ ज्वेलरी दुकान पर आई थी। मुझे स्पेशली काफ़ी दिन से मैं बोली थी नथ लेने के लिए, लेकिन नथ देखती हूँ लेकिन मेरे फेस के हिसाब से थोड़ा सा ये भारी लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, नथ देख रहे थे, कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ले नहीं सकते भाई जो मन में है ट्राई तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नथ देख रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे इसको पहनूँ, और यहाँ पर मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ नाक में, लेकिन वो बोले नथ के अंदर डाल के ऐसे ट्राई करो। तो यहाँ मैं नथ देख रही हूँ और बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रहा था, और ये 95,000 का था और भारी था, तो मैंने बोला इतना महंगा तो नहीं ले सकते हैं, बस अगर पसंद आ जाता तो महंगी क्या बात है, अरे कोशिश तो करो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं नथ देख रही थी और किट्टो बोले कि हल्के में अगर ले लो, तो हल्के में था, तार जैसा था, छोटा सा मोती लगा था, लेकिन डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा था। कोई नहीं, बने रही ब्लॉक के। तो किट्टो यहाँ पर ये देख रही थी गले का सेट, तो बोली बंदा दीदी कैसा लग रहा है भाई, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन था, बहुत सारे डिज़ाइन था, तो वो देख रही थी। तो इसी बीच में मैं भी एक ट्राई करी, हम कहे कि इसको भी देख लेते हैं, तो अच्छा लगा, बहुत सुंदर था और बहुत प्यारा था। और इसका कान में का मुझे नहीं अच्छा लगा, केवल इसका जो ज्वेलरी था ये सुंदर लग रहा था। तो ये पीला कलर कपड़ा था, इसमें खींच जा रहा था, पता नहीं चल रहा था, तो फिर मैं देखती ही रह गई और मुझे भी खुशी एक तरफ हो रही कि चलिए कोई ना कोई कुछ खरीद रहा है मेरे घर में। तो यहाँ मैं बीच में आ जाती हूँ, ऊपर चले जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये बिछुआ चांदी का ऊपर था और गोल्ड नीचे था, तो यहाँ भी माता रानी के लिए बिछुआ ले लेती हूँ। और आज के दिन सुनार की दुकान पर हर जगह बहुत भीड़ थी, इसी तरह हम देखते ही रह गए। तो करवा चौथ पे स्पेशल वंदना जी आ गई हैं, क्या खरीदने आई हो जी? अब क्या बताएं, हमारी बजट ही नहीं है। देखो आपके पीछे वो पैसा दिख रहा है, वही लेके बजट बना लो। नहीं, पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसे पे फोकस करो। कैमरा मैन फोकस करो, देखो कुछ दिला दो जो आपको ये लगे हुए पसंद कर लो अपने हिसाब से। ऐसा लग रहा है कि दिला दो पसंद, क्या हमको तो बहुत कुछ पसंद है। भैया हमारे बजट की साइज दिखा दो, दिखा देंगे अपने बजट की साइज। मेरा दो तक दो कम है अभी, 2000 मीना ही दिखा दो, ये 100 रुपए का है। बहुत रुला रहे मेरे पति देव, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इतने हार लगे हुए कि वंदना जी देख के आंखें किट्टो ले ली, हमको जलन हो गई है, मुख में हमको बहुत जलन हो रहा है, क्या करें। आप भी लो। तो आके यहाँ लेट गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या ले क्या न ले। करवा चौथ आते ही क्या बोले, क्या करें, हमारे में समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे हिसाब से। ये देखिए आ गया आपके लिए, ओहो क्या बात है, देखते हैं अभी सोच रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया, कहाँ जाओगी पहन के इसको, प्यारा प्यारा सा गोल। एक हार के साथ ही जवान किसी ने टॉप की जाए, कितने का होगा? अरे वो भाई साहब बैठे थे ना, आपने ये तो सूट उठ के चलेगा ना, बहुत अच्छे सेट है, आप किसी भी ड्रेस में पहन सकते हैं ना। ये गोल्ड है जी, गोल्ड तो नहीं लग रहा है, ये हार जैसे ना हम लोग गोल्ड है तो गोल्ड ही बताएंगे और क्या बताएंगे उसको। जानते हो इसे एकदम पतले पतले बारीकी में बना हुआ है ना, ये नहीं अच्छा लग रहा है। कितना खरीदोगे? ये कलेक्शन मैंने आपको बिल्कुल नहीं देख लिया ना, फोटो
इधर थोड़ा पीले पीले नहीं पता चल रहा है। कान तो बड़ा छोटा दिखा दे रहे हो। नहीं नहीं वो उसके नीचे के कमरे में है ना। कान का ना जब प्रॉपर पूरा सेट पहनेंगे ना लेकर ले लीजिए। तो वरना जो इतना ढेर सारा हार दिखने को मिल गया है लेकिन डिजाइन मुझे नहीं कम पसंद आ रहा है। ओल्ड डिजाइन है क्या? बिकता ही बिकता है। नीचे कितने के नीचे वाला? ये वाला आपका सिंगल दो टू ये करवा चौथ क्या आता है? महिलाएं डिमांड कर देती कि हमें क्या चाहिए। अभी तो आईफोन चाहिए था इनको। आईफोन बाद में ले लेंगे, फोन है। गोल्ड देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा पीला कपड़ा है ना इसलिए गाइस मैं किट्टो पे ट्राई करवा रही हूँ। तो वीडियो कैसे बनेगा उन पे ट्राई करवा? क्या हुआ किट्टो पहने हम पहले बात करूंगा। वंदना दीदी ने दिलाया वो ऐसे डाल लिया किट्टो को दिलाया मैंने इतना महंगा। अच्छा कान का लगाओ। अच्छा लग रहा है करिए आप इसको नेक के पास। अच्छा लग रहा है। सुनो इसका कान ना इसमें से चेंज कर दीजिए। इसमें से पीला पीला मैच खा जाए। ये तो कपड़ा भी ऐसा पहन गया है पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा हार कहाँ है। मुझे काला कलर सूट दिला दो बस सूट चेंज कर ले। कपड़े के साथ मैचिंग कर जा रहा है। चलो कोई बात नहीं मैचिंग मैचिंग खेलो। देखो गाइस मेरे पर्स लगा लो ना पर्स के ऊपर से ले लो। अच्छा ये ले लो क्या? साइज तो आ जाएगा नहीं आएगा तो हमने बोला है तुमने लिया है तुमने बोला तो हमने लिया। अब पता नहीं ये पैसा कहाँ से भगवान दे आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमें किट्टो ने दिलाया अपने हम साथ। तो आए भी नहीं दिए बोले कि आ जाइए वीडियो बनाना है। भोले बाबा ने भेजा आपको। हम कहे कि चलो भैया वीडियो शूट कर देते हैं यहाँ आगे बोल रहे हैं कि दिला दीजिए ये बाबा सब सबके ऊपर की कृपा है और किसी का कृपा नहीं है सब प्रभु का। पसंद आया कुछ? यही आया है। अब तो वंदना जी ने ये वाला हार ले लिया है। क्या क्या ले रही हो जी? झुमका ले रही हो, हार ले रही हो, किट्टो मथिया ले रही हो, टीका ले रही हो? पूरा पहनो तो वैसे नहीं निकालो। अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप खड़े होकर लॉन्ग मिरर में पीछे देखिए। इधर देखो बड़े वाले मिरर में कहाँ है ये वाला डिजाइन अच्छी लग रही है ना? थोड़ा झुमका मुझे नहीं सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है जी? क्या वंदना जी क्या खरीद ली कार्ड वोट दे रहे हो यहाँ स्वाइप करने के लिए? नहीं तो मेरा देखो तुम्हारे से हल्का है ना। तो गाइस हमने ज्वेलरी ले लिया है लेकिन कितने का लिया है और फिर आपको पतिदेव दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बहुत सुंदर बहुत प्यारा और कौन सा लिया है वो भी दिखाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए और थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है। मेहंदी भी देखो मेरा अच्छा डिज़ाइन बिल्कुल नहीं लगा है। और कितने का लिया है? वैसे तो भाई 5 लाख 6 लाख 7 लाख का ऐसे ज्वेलरी बड़ा सेट लग रहा था। बस एक ही ले लिया है। अब कितने का है? 5 लाख का सुन के मेरा तो होश उड़ गए थे। तो ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आते तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।